यशु दास और मैं फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ और मैं बेसिकली बिलोंग्स टू केरला और अभी दिल्ली में सेटल्ड हूँ। सर, ये बात करें मूवी का, अनुभव करना चाहें कौन सी मूवी है, क्या है, स्टार कास्ट क्या है? हाँ, मैं मूवी की बात कर रहा हूँ, 30 मिनट्स करके मूवी का नाम है। मूवी का नाम 30 मिनट्स है, मूवी है 2 घंटे की। उसके बारे में, उसके कास्ट जो हितेन पेंडल इसका मेन हीरो है और पेंडल साहब है, और ऋषिदा भट्ट है, हेमंत पांडे, मुकेश भट्ट है, राणा जंग बहादुर, और आइटम सॉन्ग पी एस सुंदर यस एन का है। सर, किस तरह की स्टोरी है ये? बेसिकली ये पिक्चर हम बात कर रहे हैं पंचुअलिटी के ऊपर है, भी अराउंड द स्टोरी बेसिकली पंचुअलिटी के ऊपर आधारित है। इसमें इसमें कहानी ये है कि जो बचपन में हम लोग पंचुअलिटी के लिए जो एक फादर एक बच्चे को टॉर्चर करता है करा जाता है, उसके बाद वो बड़ा होने के बाद उसकी लाइफ उस टॉर्चर के आघात से वो पूरी लाइफ अब उसको डिस्टर्ब होता है, पूरे सब कुछ वो ख़त्म उसको खो जाता है। उसके बाद वो उस सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वो अपने आप एक गेम बनाता है 30 मिनट्स। वो गेम बहुत डेंजरस और बहुत रोमांचक, आप लोग बहुत थ्रिलिंग है। वो है फिल्म, वो फिल्म देखने के बाद आपको मिलेगा ये क्या है। और ये जरूर कहूँगा, ये पिक्चर देखने के बाद पंचुअलिटी में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करते थे, ये यार पेरेंट्स को या बच्चों को और एम्प्लॉय एम्प्लॉयर हर जगह पे लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए, उनको वो एक प्रॉपर एक मैसेज मिलेगा हमें आगे क्या करना चाहिए थे, हम या क्या करते थे। आजकल की जो स्टोरी आ रही है ऐसे काउंटिंग के ऊपर है, 7 hours to go एंड 30 minutes, इस तरह की है स्टोरी, काफ़ी एक मेल जोल खाती स्टोरीज आए हैं इसके नहीं, बारे इसमें में। अभी आप इसको देखोगे इसमें किसी का कहानी का मैं उसमें रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये एक पंचुअलिटी के ऊपर है इसमें, क्योंकि 30 मिनट्स जो टाइम ज़रूर है लेकिन ये कनेक्टेड, ये पंचुअलिटी के ऊपर कनेक्टेड है। ये हितेन को लेने खास रीज़न? हितेन को लेने का कोई ऐसे कोई खास रीज़न, मैं रीज़न ऐसा नहीं कि मेरा जो कैरेक्टर है जो मैं ड्रीम करते थे जो स्टोरी मैं बनाते थे, मेरा दिमाग में कैरेक्टर जो बैठता था जो मेरे कहानी में जो फिट बैठते थे, वो मैं ऐसे एक आर्टिस्ट को कैरेक्टर को ढूंढ रहे थे। तो नॉर्मली जो भी पिक्चर बनाते हैं उनके दिमाग में पहले ये कैरेक्टर बैठता है कि किस तरह की कैरेक्टर होना चाहिए। तो उस लेवल पे मैंने जब हितेन जी को जब देखा तो मेरे को लगता है कि मैं जो ड्रीम कर रहे थे वो कैरेक्टर बिल्कुल एग्जैक्ट मुझे नज़र आ रहे थे उसमें। और चांस की बात है, उनके फादर को भी जब देखा तो पेंडल साहब के बेटा है, तो एक कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी बनी थी, उसके बाद मुझे कोई ऑप्शन लगा ही नहीं कि जरूरत लगेगा कि कोई और ऑप्शन है, मतलब वो ये बेस्ट था। और वो जस्टिफाई आप पिक्चर देखने के बाद आपको भी लगेगा ये पिक्चर एक्चुअली उन्हीं के लिए बनी है, ऐसा लगेगा। बाप बेटा दोनों को एक साथ फिल्म में लेना, क्या स्टोरी की मजबूरी थी या फिर क्या था? हाँ, ये स्टोरी का डिमा स्टोरी ऐसे ही थी, उसके अंदर एक बाप बेटे की कहानी थी, और वो रियल में भी फादर बेटा होता तो और मज़ा आ गया उसमें देख करने में। कितनी अच्छी केमिस्ट्री रही है कि बाप बेटा साथ में हैं, आपको समझाना नहीं पड़ा कुछ चीज़ें उसके बारे में। मतलब पेंडल साहब का तो हम लोग तो बचपन से उनको देख के आ रहे हैं कि उनका उनको तो कुछ समझाने की बात ही नहीं है, वो इतनी इतनी मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट है पेंडल साहब, उतनी गुण और उन्होंने उन हितेन जी के अंदर भी है। को उसमें आप इसको उनको परफॉर्मेंस देखोगे तो आप खुद ही बोल पड़ेंगे कि मतलब ये अल्टीमेट है, मतलब उनका पोस्टर को काफी शॉर्ट में लिया गया है, एक ही पिक्चर है जो बयां करती है पूरी स्टोरी, क्या है पोस्टर को लिख के? पोस्टर के अंदर हम इसका कहना चाहते हैं नॉर्मली क्या कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो 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 कैरेक्टर है जो पर्सनालिटी है वो बड़ा होती है, बड़ा होता तो उसकी जो जो पर्सनालिटी है उसकी जो बचपन में जो उसकी जो परवरिश हुई है वो पर्सनालिटी उसके बड़ा होने के बाद झलक दिखती है, क्योंकि जो जैसे आपको पढ़ाया जाता है जैसे उसको सिखाया जाता है तो किसके साथ आपने रहा किसके साथ आपने सीखा वही पर्सनालिटी हमेशा हो एक कैरेक्टर के अंदर जो बड़ा होते हैं, तो वो उसके कैरेक्टर उसके उसको आपको दिखते हैं, उस कैरेक्टर देखने के बाद आपको लगेगा कि आप देखो एक अच्छी संगत में आप पढ़ोगे तो आपके कैरेक्टर भी आप ऐसे बनोगे ना। तो ये जो पिक्चर से ये पोस्टर से हम ये दिखाना चाहते हैं कि वो ये बताते हैं कि जो हितेन जी है वो उसको जो नज़र है उसको जो नज़र है ना वो अपने फादर के नज़रिया से देखते हैं, वो उनको जो बचपन में जो परवरिश मिले वो नज़रिया वो बड़ा होने के बाद वो अपने फादर के नज़रिया से दुनिया को देखता है, ये है पोस्टर के अंदर। ये हम इस पोस्टर के जरिए भी एक बहुत सॉलिड मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सर, थोड़ा विजुअल ले लो, पोस्टर से उठा फिर यहाँ पे आओ, थोड़ा सा अपने लेफ्ट में जाओ। दिल्ली फ्रॉम कहाँ से? दिल्ली में मैं दिल्ली में पटपड़गंज ईस्ट दिल्ली में। आप कौन? दिल्ली अच्छा पश्चिम बिहार? पश्चिम बिहार सर, पीरागढ़ी। पीरागढ़ी हाँ। थैंक्स सर।
आपका इंट्रोडक्शन, आपका नाम? मेरा नाम ब्रशरवरी है और इस फिल्म में आप एज ए एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ मैं इस फिल्म में। बात करें एसोसिएट प्रोड्यूसर के नाते, किस तरह की मूवी है और स्टार कास्ट? ये एक समय की वैल्यू को लेकर के पिक्चर बनाई है यशुदास जी ने, और इसमें जो स्टार कास्ट की बात अगर हम करें तो पेंटल साहब हैं, हितेन पेंटल हैं, ऋषिता भट्ट है, रिया सेन का एक क्लब सॉन्ग है आइटम सॉन्ग, हेमंत पांडे जी हैं, राणा जंग बहादुर जी हैं, मुकेश भट्ट हैं, और चाइल्ड आर्टिस्ट में आर्यन दुबे हैं, बहुत अच्छा काम किया है बच्चे ने जी। जी प्रोड्यूसर आपसे जानना चाहेंगे, कितना कमर्शियल, कितनी बिजनेस कर पाएगी मूवी, आपने क्या सोच कर इस मूवी? देखिए मैंने तो जब ये स्क्रिप्ट देखी तो मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि ये पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से समाज सोसाइटी में जो है टाइम की वैल्यू को दर्शाएगी, और इस पिक्चर से जो है पंक्चुअलिटी का जो लेसन जा रहा है कि किस तरीके से आज के दौर में हमें अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए कि उनके मन में दहशत ना बैठे। और रही बात कमर्शियल की, तो उम्मीद है क्योंकि इसमें गाने बहुत अच्छे हैं और कंटेंट बहुत ही अच्छा है, तो उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। ये शकील हाशमी, बिकटस मीडिया कंपनी हमारी जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट और रिलीज करती है। शकील भाई, अगर बात करें आज जो मूवी है 30 मिनट्स, आपसे हम खाली बिजनेस लेवल पर बात करेंगे, किस तरह की मूवी है और स्टार कास्ट क्या है इसकी? देखिए फिल्म जो है बहुत कमर्शियल वे ऑफ पॉइंट से बनाई हुई है, और हम लोग सबसे पहले बिजनेस वे ऑफ पॉइंट से फिल्म को देखते हैं कि फिल्म में कंटेंट क्या है, फिल्म का लॉजिक क्या है, और फिल्म सिनेमा के कितने लाइक तक है और कितने स्क्रीन्स में लगानी है। तो फिल्म कहीं ना कहीं उसने प्रूव किया है। मैंने जब स्क्रीनिंग यशु जी ने मुझे दिखाई तो मुझे लगा कि फिल्म कुछ ना कुछ अच्छा करेगी और एक अच्छे टॉपिक पे फिल्म है। जैसे कि नए आर्टिस्ट को लेना बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, आजकल कंपटीशन का दौर है, कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत रिस्की होता है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए फिल्म खरीद कर डिस्ट्रीब्यूट करना, तो इस फिल्म में क्या सोचना पड़ा? देखिए बेसिकली जो हितेन है ना, हितेन इंडस्ट्री के लिए नए नहीं है, और बात करेंगे पेंटल साहब की तो पेंटल साहब इंडस्ट्री के लीजेंड एक्टर हैं, तो दोनों का जो केमिस्ट्री है इस फिल्म के लिए परफेक्ट है। इसमें अब अगर शाहरुख खान और अजय देवगन को रख देते तो वो कहीं से जस्टिफाई नहीं होता। तो डेफिनेटली ये फिल्म की कास्टिंग बहुत परफेक्ट की गई है, जिस हिसाब से सब्जेक्ट है, जिस हिसाब का डायरेक्शन है, तो बहुत परफेक्टली ये प्लान किया गया है कि ये फिल्म 30 मिनट यही दोनों के लिए बनी थी। जब पहली बार आपको स्टोरी सुनाई गई तो क्या जहन में? बेसिकली मैंने स्टोरी नहीं, मैंने फिल्म का प्रोमो देखा। मैं दिल्ली गया था तो डायरेक्टर ने मुझे एक प्रोमो दिखाया और बोला कि इसको मैं कॉर्पोरेट के साथ प्लान कर रहा हूँ, किसी कॉर्पोरेट कंपनी के साथ प्लान कर रहा हूँ कि मैं रिलीज़ करने की प्लानिंग। तो उनको कहीं से पता चला कि ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकी भी अपनी कंपनी है, तो मैंने अपना परिचय बताया, तो उन्होंने मेरी प्लानिंग देखी और उनको बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली फिर वो बॉम्बे आए, मुझे फिल्म दिखाया, तो मुझे लगा कि इस फिल्म को मुझे करना चाहिए। शकील भाई, जैसे हर किसी का संघर्ष है, देखिए फिल्म बेसिकली मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, और कुछ भारत से मुंबई तक का सफर जी 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 कानपुर में जब मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया तो मैंने छोटे से इवेंट से स्टार्ट किया था, जो मैंने शहर लेवल पे एक अपना इवेंट कंपनी प्लान की थी और वहाँ पर इवेंट कराने लगे। तो जब काफ़ी सारे इवेंट कराने के बाद बच्चों ने पूछा कि इसके आगे क्या है, तो मुझे खुद नहीं मालूम था, फिर मुझे मुंबई आना पड़ा। तो मुंबई में मेरा फिर सफ़र स्टार्ट हुआ, कई चैनलों में मैंने एज क्रिएटिव एज डायरेक्टर मैंने काम किया, फिर एज एजेंसी मैंने एडवर्टाइजिंग पीआर ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, बट डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट ऐसा चैलेंजिंग मुझे लगा कि डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए। अभी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन इज़ रनिंग माई कंपनी। कहीं ना कहीं शकील के अंदर एक हीरो छुपा हुआ है। देखिए बेसिकली हीरो की बात बोलेंगे तो हीरो हर बंदे के अंदर छुपा हुआ है, हर इंसान के छुपा। नहीं, ऐसा नहीं है, हीरो हर आदमी बनना चाहता है। स्क्रीन की चाहत सबको होती है, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे कैमरामैन हो, वो सबकी चाहत होती है, और हर बंदा अपनी अपनी फील्ड का हीरो है। आप अपनी फील्ड के हीरो,
आप कैमरा चला रहे हो, आप अपनी फील्ड के हीरो, मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूशन का हीरो हूँ, डायरेक्टर है डायरेक्शन का हीरो है। तो डेफिनेटली हर बंदे के अंदर स्टाइल होना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, और अपना काम बखूबी करेगा तो वो हीरो है। जो अपना 100% रिजल्ट देता है वो मेरी नज़र में हीरो है। आप दूसरे शहर से हैं, मुंबई सपनों का शहर है, हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, शकील की बात करें संघर्ष की कहानी में, शकील क्या कहना चाहेंगे? देखिए दूसरे शहर की तो बात ही नहीं, एक 10 साल, एक सदी होती है, एक 10 साल गुजरने के बाद शहर ने अपना लिया। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर संघर्ष के बाद ऐसा लगता है कि बस ये एडिक्शन है, ये नशा है, ये ज़रूरत है। तो बहुत दिक्कतों के और मुसीबतों का लोग सामना करते हैं, मेरी लाइफ में वैसा कुछ नहीं आया। मैंने अपने स्ट्रगल को बहुत इंजॉय किया है, बहुत सराहा, और स्ट्रगल अभी भी है। अभी छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा, वो तो चलता ही रहता है, लाइफ टाइम चलता रहता है। बट नाउ यहाँ तक आना बहुत मुश्किल था, मुझे लगता है अब तो ऊपर वाला हाथ रखेगा तो यहाँ से अपने आप ऊपर चले जाएंगे। शकील को एक पहचान कब मिली, जब आपको लगा कि मुंबई ने मुझे अपने बाहों में ले लिया? बेसिकली मैंने बहुत सारे फील्ड में ट्राई किया, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री के डायरेक्शन में, इवेंट में एंड क्रिएटिव में, बट मुझे डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा पार्ट लगा कि मुझे लगा कि इसमें एक कुछ व्यवस्थित होना चाहिए, कुछ मैनेज्ड होना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये परफेक्ट, मेरे लिए परफेक्ट चीज़ है, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट करते हुए वो परफेक्शन कहीं ना कहीं मेरे अंदर था। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन में जब अपनी एक दो फिल्में करी, सपोज़ कोई भी एक दो फिल्म से परफेक्ट नहीं होता है, तो आज मैंने 28-30 फिल्में करने के बाद मुझे लगता है कि चीज़ें लोग अब पसंद करने लगे, लोग सराहाने लगे और लोग आने लगे। मैंने कभी अपने आप पे गर्व नहीं किया है, क्योंकि गर्व करने के लिए अभी मैंने ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं परफेक्ट काम करता हूँ, तो इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। कभी आपको लगा कि मुंबई छोड़ के चला जाना चाहिए, जब आपको कभी थक गए हो, टूट गए हो कि नहीं अब तो? सर मुझे 13 साल पता ही नहीं चले कब निकल गए, तो मुझे कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे ये सारी चीज़ें चल गई। ये एक छोटी ऑफिस से एक बड़ी कंपनी बन गई और बिग कर्टन्स का नाम लोगों तक चला गया, क्योंकि मैंने मेरे काम को, मेरे फिल्मों को, मेरी इंडस्ट्री को मैंने जिया है, और मुझे ये जीने में बहुत मज़ा आता है। जो मेरी फैमिली है, मेरा ग्रुप है, मेरे लोग हैं, मीडिया इज़ ए माय फैमिली, तो आज मैं उनके बगैर तो मैं अपने आप को बेसहारा और अनाथ समझता हूँ। तो डेफिनेटली मैं यहाँ के अलावा, तो अगर मुझे फॉरेन का भी कोई बड़ा ऑफर आ जाएगा तो मैं डेफिनेटली नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं रह सकता, इनको देखे बगैर नहीं रह सकता। थैंक यू, थैंक यू सो मच। खड़े रहना भाई।